तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फोन के पे के मदद से ना आप किस तरह से फ्री फायर में टॉप अप कर पाएंगे। पूरा तरीका पूरा अच्छे से मैं प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा कि फोन के पे के मदद से आप टॉप अप कैसे फ्री फायर में कर पाएंगे। पूरा तरीका मैं अच्छे से समझाऊंगा और सरल भाषा में बताऊंगा। यदि मेरी वीडियो पसंद आती है और मेरे द्वारा दी गई वीडियो से आप यदि संतुष्ट हो जाएंगे तो मेरी वीडियो को आखिरी में लाइक करेगा जब आपका टॉप अप हो जाता है। यदि ना हो तो लाइक मत करेगा दोस्तों, ऐसे आपकी मर्जी, मैं देर नहीं करूंगा, जल्दी से करूंगा वीडियो को स्टार्ट। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम रूपेश। दोस्तों आज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आए हम सीख लेते हैं कि फोन पे के मदद से हम कैसे यहाँ पे क्या कर पाएंगे, टॉप अप कर पाएंगे यहाँ पे फ्री फायर में। दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पे हम सबसे पहले हमको फोन पे ऐप को ओपन कर लेना होगा। फोन पे ऐप को जैसे ही ओपन करेंगे हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, हम पासवर्ड डाल के ओपन कर देंगे। दोस्तों एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जैसे यदि आप चाहते हैं फ्री फायर में डायरेक्ट टॉप अप करना, तो डायरेक्ट टॉप अप नहीं होता है, चाहे गूगल पे चाहे फोन पे किसी ऐप से, पहले आपको रिडम कोड बनाना पड़ता है। रिडम कोड बना के ही आप टॉप अप करेंगे। तो फ्री फायर में पहले चेक कर लीजिएगा कितने का टॉप अप चल रहा है, उतने का रिडम कोड बना लीजिएगा, फिर टॉप अप यहां पे होगा। मैं पूरा तरीका लाइव बताऊंगा, मैं भी चल रहा हूं, पहले यहां पे रिडम कोड बनाऊंगा, उसके बाद लाइव आपको दिखाऊंगा कि रिडम कोड से आप टॉप अप कैसे करोगे, ठीक है, फोन पे से के माध्यम से। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा व्यू ऑल का, इस व्यू ऑल वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। जैसे ही टैप करेंगे अब आपके सामने पूरा बड़ा सा ऑप्शन खुल के आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, एक ऑप्शन नीचे दिखेगा परचेज का, परचेज वाले में एक अंदर ऑप्शन दिखेगा गूगल प्ले का, इस गूगल प्ले वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। जैसे ही टैप करेंगे ना, अब आपने वहाँ पे चेक कर लिया होगा जितने का आपको यहाँ पे रिडम कोड बनाना है ना, उतना यहाँ पे आपने वहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। जैसे मेरे मुझे 10 रुपये का बनाना है, तो मैं 10 यहाँ पे करके और यहाँ पे जैसे ही पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपने ऐसे पासवर्ड दे देंगे ना, हमारे यहाँ पे रिडम कोड तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने पहले से बना रखा है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसलिए मैं दोबारा से यहाँ पे नहीं ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पहले से बना हुआ है। लेकिन प्रोसेस ये है, जैसे पेमेंट करेंगे तो आपको दिखाना चाहूँगा एक इस तरह से आपको नोटिफिकेशन या मैसेज मिलेगा। देखिए मैंने अभी 10 रुपये का रिडम कोड बनाया है, आपको नीचे चलता हूँ, स्वाइप करता हूँ और दिखाता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से दिखाएगा, उसमें रिडम कोड भी आपका रहता है और उसके बाद आप उस रिडम कोड की मदद से देखिए मैंने यहाँ पे गूगल पे का रिचार्ज किया है, यहाँ पे देखिए मेरा यही रिडम कोड है, यहाँ पे जो मैं शो कर रहा हूँ ना, ये मेरा रिडम कोड है। तो दिखाता भी है रिडम कोड, ठीक है, आपको घबराना नहीं है, यही आपका रिडम कोड है, इसको कॉपी कर लीजिएगा और इसको आप वहाँ पे, उसके बाद चलिए आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। मेरा रिडम कोड बचा हुआ है, इसके मदद से फ्री फायर में टॉपअप करके दिखाते हैं। तो आप जैसे रिचार्ज करेंगे आपके सामने ऐसा आ जाएगा, ये कोड कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। और यदि यहाँ पे कोड नहीं कॉपी कर पा रहे तो आपके नंबर में मैसेज भी आ जाता है, वहाँ से कोड ले लीजिए। कुल मिलाकर इस कोड को कॉपी करके और फ्री फायर ऐप को ओपन करना, वहाँ पर चलना है, फिर आइए आपको लाइव दिखाते हैं कैसे कैसे क्या करना है। दोस्तों यहाँ पे फ्री फायर ऐप को हमने ओपन कर दिया है और रिडम कोड मैंने पहले बना चुका है, उसको कॉपी भी कर लिया। जब फ्री फायर ऐप को आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आप टैप टू बिगिन जो लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए, आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा प्रतीक्षा करेंगे, वेट करेंगे, हमारी ऐप लोडिंग हो रही है। अब देख सकते हैं जो स्टार्ट वाला आइकन लिखा है ना, उसके बगल में एक बॉक्स बना है, ठीक है, हमको उस बॉक्स पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। स्टार्ट के बगल में बॉक्स बना है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आइए इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे अब हमारे सामने देखिए कैसा इंटरफेस आएगा। अब हमारा यहाँ पे टॉप अप का ऑप्शन आ जाता है, हम यहाँ पे 10 रुपये का रिडम कोड बनाया, 10 का टॉप अप करने जा रहे हैं, जो रेट 10 लिखा है 10 लिखा है उस पर हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पे हम रेट 10 वाले ऑप्शन पे अब क्लिक करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे हम रेट 10 वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे और हमारे सामने नया वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे आ गया स्पेशल एयर ड्रॉप का ऑप्शन और हमको क्या करना है, नीचे की तरफ स्वाइप करके आगे बढ़ना होगा। देखिए क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, बैंक अकाउंट का, नेट बैंकिंग का, लेकिन हमने तो रिडम कोड अपना बना रखा है तो हम रिडम कोड की मदद से यहाँ पे टॉप अप करेंगे, ठीक है। सिंपल है, हम जो रिडम कोड लिखा है ना उस पर क्या करेंगे, हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही रिडम कोड वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे फिर से हमारे सामने नया वाला इंटरफेस कुछ दिखाई देने लगेगा। आइए हम रिडम कोड वाले ऑप्शन पे एक बार टैप कर देते हैं। आपका डेटा कनेक्शन ऑन होना चाहिए, ज़रूरी है, तभी यहाँ पे टॉप अप हो पाएगा। रिडम कोड पे मैंने क्लिक कर दिया यहाँ से। अब हमको अपना रिडम कोड या तो यहाँ पे लिख दीजिए या तो कॉपी किए हैं तो पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। जैसे हम कॉपी करके पेस्ट यहाँ पर कर देंगे, अब यहाँ पर जो रिडम लिखा है नीले कलर में, इस रिडम वाले बटन पर हमको टैप कर देना होगा।
जैसे हम इस पे टैप करेंगे अब फिर से हमारे सामने नया लैंटन फेस दिखाई देने लगेगा। कन्फर्म करना होगा कि आपके इसी जीमेल से आपका है, यहाँ पे फ्री फायर और यहाँ पे जो गूगल प्ले अकाउंट है देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अब देखिए, अब आपका नाम मांगेगा, फिर आपकी कंट्री, फिर स्ट्रीट एड्रेस मतलब गली मोहल्ला मांगेगा, फिर एप्स इंस्टीट्यूट है, फिर सिटी दे दीजिएगा, पिन कोड है, स्टेट है और हम मोबाइल नंबर अपना दे दीजिएगा। इतना कुछ भरने के बाद तब आपको आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। तो सिंपल अपना एड्रेस यहाँ से डाल दीजिए, भरने के बाद मैंने देखिए यहाँ पे भर दिया। अब कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे हमको टैप कर देना होगा। जैसे हम कंटिन्यू वाले बटन पे टैप करेंगे अब हमारे सामने नया लैंटन फेस कुछ दिखाई देने लगेगा इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा प्रतीक्षा करेंगे और उसके बाद देखिए हमारे सामने कैसा इंटरफेस आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, यहीं पे मेन प्रक्रिया, यहीं पे थोड़ा लोडिंग लेता है, टाइम लगता है, ठीक है। देखिए स्पेशल एयर ड्रॉप हमारा जो है 10 का यहाँ पे रेडी है। अब हमको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए मेन पेज पे आ चुके हैं, टैप बाई पे क्लिक करना होगा। टैप बाई लिखा है ना, वन टैप बाई, इस पर हमको क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे अब हमारे सामने प्रोसेसिंग होगा और प्रोसेसिंग होने के बाद नया वाला ऑप्शन हमारे सामने कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे, प्रोसेसिंग होने दीजिए, फिर उसके बाद नया वाला ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं, प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आपका यहाँ पे टॉपअप कन्फर्म होने की तरफ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग थोड़ा सा कर लेने दीजिए, देखिए प्रोसेसिंग हो गया। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, यस ऑलवेज, नो थैंक्स, ठीक है। तो आप इसमें से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा, आइए मैं बताता हूँ कौन सा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर देना है, पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। बैक आएगा, रिफ्रेश करेगा, आप टॉपअप के बाद जो जो आपको मिलना था, कपड़े वगैरह जो भी मिलना था, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। उम्मीद करूँगा कि मेरे द्वारा दी गई वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपका हेल्प करने का पूरा पूरा प्रयास करूँगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।